क्वेश्चन 28 के और वाला पार्ट देखिए। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज, फाइंड देम। दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं एंड उनमें से जो स्मॉलर है, जो बड़े वाला है, वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। वो कह रहा है फाइंड देम। तो इसके लिए आप क्या करें, लेट स्मॉलर एंगल इज एक्स। सो लार्जर एंगल हमने मान लिया, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? पहली कंडीशन हमारे पास दे रखी है कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, यानी ये 1 है तो ये 19 है। दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहां 18 डिग्री ऐड कर लूं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको इधर ले आए, -x + y इज इक्वल टू 18 डिग्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं कि दोनों एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका 180 डिग्री आ जाएगा। दिस इज सेकेंड। अब एक्स वाई निकाल लो तो एंगल मिल जाएंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड के साथ आप ऐड कर दें, -x + y इज इक्वल टू 18 डिग्री एंड x + y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 2y इज इक्वल टू 8 9 188, यानी 2 9 18 एंड यहां पे आ गया दिस इज 99 डिग्री। सो वाई इज इक्वल टू 99 डिग्री। वाई 99 आप यहां रख दो, -x + 99 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, -x इज इक्वल टू 18 डिग्री, -99 इज 1 एंड 9 - 1 इज 8, -81 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो दोनों एंगल्स हमें मिल गए। अब इसको ना करने का एक तरीका और क्या बच्चे यूज कर लेते हैं, या फिर हो सकता है वो क्या है कि हम स्मॉलर एंगल को मान लें एक्स। स्मॉलर एंगल हमने मान लिया एक्स, तो जो लार्जर एंगल है वो क्या होगा, हम डायरेक्ट कंडीशन यूज कर लें कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 बड़ा है, तो आपका वो 18+ करने पर लार्जर एंगल मिल जाएगा। अब छोटे वाला एंगल ये है, बड़े वाला ये है, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि x+18 डिग्री + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 18 को इधर ले आओ, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, -18 डिग्री, ये आ गया आपका 2 एंड 7 - 1 इज 6, दिस इज 10 - 8 इज 2 एंड 7 - 1 इज 6 एंड दिस इज 1, 2 से 8 1 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 81 डिग्री। सो स्मॉलर एंगल जो है वो 81 डिग्री आ गया एंड जो लार्जर एंगल जो है वो हमारे पास आएगा 18 डिग्री + 81 डिग्री इज इक्वल टू 99 डिग्री। तो ये हमारे पास लार्जर वाला एंगल आ जाएगा। अब जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उससे आप इसे कर सकते हैं।